हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न वॉटनीगी तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राउंड टिश्यू को डिस्कस किया था जिसमें हमने कॉटेक्स पेरिसाइकिल पिथ जो भी उसमें इन्वॉल्व थे वो रूट और स्टेम में डिफरेंट डिफरेंट हमने जो है डिस्कस किया था तो अभी डिस्कस करने वाले हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में सो लेट स्टार्ट सो बेसिकली वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टील बेसिकली क्या होता है कि जो वेस्कुलर जो बंडल्स होते, है, है, होते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं स्टील में अब देखते हैं कि स्टील क्या होता है द स्टील इज द सेंटर कॉलम ऑफ द डायकोट स्टम एंड ऑल रूट सराउंडेड बाय द एंडोडमिज एंड कंसिस्ट ऑफ पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल्स मेडुलरी रेस एंड पिथ यानी कि अगर हम बात करें कि जो स्टील है वो स्टील से जैसे हमने बोला कि वेस्कुलर बंडल है डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं स्टील में तो स्टील जो है एक तरीके का सेंटर कॉलम है डायकोट स्टेम का और रूट का दोनों में पाया जाता है जो कि जो एक एक जो सराउंडेड कॉलम है डायकोट स्टेम एंड रूट का वो सराउंडेड रहता है बाय एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल और जो मेडुलरी रेज और पीथ होती है यानी कि अगर हम प्रीवियस वीडियो में हमने जब स्ट्रक्चर देखा था एक जो मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन जो बनाया था तो उसमें हमने देखा था कि अगर हम बात करें तो ऊपर से अगर हम चलना स्टार्ट करें आउटर लेयर से फर्स्ट लेयर होती है प्लांट में इपिडर्मिस उसके नीचे आती है हाइपोडर्मिस उसके नीचे आता है कॉर्टिकल वाला रीजन और फिर उसके बाद आता है एंडोडर्मिस जो कि सिंगल लेयर्ड बुलेट शेप्ड सेल्स होती हैं उसके बाद पेरिसाइकिल आता है उसके बाद आता है जो मेडुलरी रेज वाला रीजन होता है और देन फिर हमारा पिथ आता है सेंटर मोस्ट रीजन तो यानी कि इसमें जो है वेस्कुलर जो टिश्यूज में है वो सराउंडेड रहती है इन सब जितने भी स्ट्रक्चर हैं जितने भी टाइप्स हैं सेल के उनसे सो लेट्स सी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स विच आर प्रेजेंट इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स सो लेट्स सी वन बाई वन सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वैस्कुलर बंडल्स आर डिवाइडेड इन टू थ्री कैटेगरीज फर्स्ट वन इज रेडियल वेस्कुलर बंडल सेकेंड वन इज कॉन्जॉइंट वेस्क्यूलर बंडल एंड थर्ड वन इज कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल शो आपको मैं एक चीज यहां पर एक कंफर्म करना चाहूंगी लास्ट मतलब स्टार्टिंग में ही बोलना चाहूंगी कि हमेशा क्वेश्चन आता है कि रेडियल आ, जो वेस्कुलर बंडल है वो किस में प्रेजेंट होते हैं तो एक चीज मैं यहां पर बता दू कि जो रेडियल जो वेस्कुलर बंडल है वो हमेशा आपको रूट्स में देखने को मिलेंगे राइट right? रेडियो वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन रूट और कॉन्जॉइंट टाइप के जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो आपको इस स्टेप में देखने को मिलेंगे तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा राइट right? तो देखते हैं वन बाई वन सो जो रेडियोल वेस्क्युलर बंडल होते हैं अगर हम उनकी बात करें सो फर्स्ट वन लेट सी द डेफिनेशन सो जयलम एंड फ्लोएम फॉर्म सेपरेट बंडल्स एंड दीज लाई ऑन डिफरेंट रेडियाई यानी कि इसमें क्या होगा जो रेडियल वेस्कुलर बंडल होगा उसमें जो जाइलम है और फ्लोएम ये दोनों ही क्या होंगे एक दूसरे से सेपरेट होंगे राइट यानी कि इसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या होते हैं एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं एंड दीज लाई ऑन डिफरेंट रेडियाई और इनका जो है रेडियाई जो है डिफरेंट होती है एग्जाम्पल होता है बेसिकली जैसे यहाँ पर दिया है रूट्स में और ये प्रिमेटिव टाइप का वेस्कुलर बंडल है तो यहां पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं जैसे जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज पेरीसाइकिल क्योंकि ऊपर वाला जितना पोर्शन रहेगा जो यहां पर मैंने ड्रॉ नहीं किया है बस आपको वेस्कुलर बंडल के थ्रू ही मैं समझाऊंगी क्योंकि हम अभी यहां पर वेस्कुलर बंडल पे ही फोकस कर रहे हैं तो यहां पर आप देखोगे कि ये सेंटर मोस्ट रीजन है आप जहां पर से वेस्कुलर बंडल आना स्टार्ट हो गए हैं इसका जो आउटर लेयर है पेरीसाइकिल होगा इससे बाहर होती है एंडोडर्मिस जो यहां पर ड्रॉ नहीं किए मैंने इस तरीके की बुलेट शेड जो सेल्स होती है आप ड्रॉ कर सकते हैं चारों ओर उसके बाद हम देखते हैं कि रेडियल में जाइलम और फ्लोएम यानी कि जो पिंक वाला स्ट्रक्चर है ये है फ्लोयम और जो ब्लैक वाला है दैट इज जाइलम। तो दोनों ही आपको सेपरेट दिखाई दे रहे हैं और उनका जो रेडियस भी क्या है डिफरेंट है आप देख सकते हैं तो इस टाइप के जो वेस्कुलर बंडल है उसको हम कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल नेक्स्ट वन इज कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल सो जाइलम एंड फ्लोएम कंबाइन इनटू वन बंडल यानी कि इसमें क्या होगा क्योंकि नाम से ये पता चल रहा है कि कॉन ज्वाइंट मतलब कि दोनों ही है ज्वाइंट है जाइलम एंड फ्लोएम इसको अगेन डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में कोलेटरल एंड बाई कोलेटरल लेटुरल की अगर हम बात करें प्लेस्ड टूवर्ड्स इन साइड एंड फ्लोएम टूवर्ड्स आउटसाइड यानी कि कोलेट्रल को मीनस क्या होता है जब कोई दो चीजें साथ में होती यानी yani कि इसमें क्या होगा जो जायलम है वो टूवर्ड्स रहता है इन साइड की तरफ को और फ्लोएम क्या रहेगा टूवर्ड्स आउटसाइड की तरफ को रहता है यानी yani कि बाहर की तरफ को रहता है सो so, देख लेते हैं अब कोलेट्रल की भी अगर हम बात करें तो इसको अगेन टू टाइप में डिवाइड किया गया है ओपन कोलेट्रल एंड क्लोज कोलेट्रल तो ओपन जब भी आएगा आपको ये चीज याद रखनी है ओपन कोलेट्रोल का मतलब होगा जो जाइलम और फ्लूम है क्योंकि हम कॉन्जॉइन की बात कर रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये ब्लैक वाला जाइलम है और पिंक वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज फ्लोएम तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो एक ही साथ प्रेजेंट है दोनों ही जो भी वेस्कुलर बंडल है यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम वो साथ में प्रेजेंट है राइट और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनके बीच में राइट आप देख सकते हैं जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है व्हाइट कलर का जो स्पेस दिख रहा है दैट इज कैम्बियम राइट तो ये जो कैम्बियम रिंग जिसमें प्रेजेंट होती है तो उसको हम कहेंगे ओपन कोलेट्रल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जो कि कॉन्जॉइन का टाइप हो जाएगा राइट right? और सिमिलरली अगर हम क्लोज कोलेट्रल की बात करें तो यहां पर आपको ये जो कैम्बियम का जो स्पेस है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा तो यही इन दोनों में डिफरेंस है कि ओपन वाला जो है कोलेट्रल उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी क्लोज में जो है कैम्बियम एब्सेंट होती है और ये ब्लैक वाला जायलम जो है और फ्लोएम इसमें दोनों ही साथ प्रेजेंट है जबकि इस वाली कंडीशन में जायलम और फ्लोएम दोनों ही क्या थे सेपरेट थे अलग अलग थे नेक्स्ट आता है बाइकोलेट्रल अब यहां पर जैसे कोलेट्रल बालेट्रल का मतलब है कि कोई चीज यहां पर दो बार प्रेजेंट है यानी कि अगर आप देखोगे फ्लोएम अकर्स ऑन बोथ दी आउटर एंड इनर साइड्स ऑफ जाइलम यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि जो जाइलम है उसके दोनों ही साइड में क्या होगा फ्लोएम होगा इट मीन्स कि यहां पर क्या है जो फ्लोएम है वो दोनों साइड प्रेजेंट है इट मीन्स क्या होगा जाइलम होगा सेंटर में तो इसका मेन एग्जांपल है कुछ फैमिलीज में देखने को मिलता है बाइकोलेट्रल बेस्कुलर बंडल सोलेनेसी, माइरेटेसी तो आपको ये याद रखना है हमेशा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस इनमें से किस में जो है वेस्कुलर बंडल होता है तो ये चार फैमिलीज़ आपको याद रखनी है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पिंक वाला पोर्शन है ये फ्लोएम होगा और बीच में सेंटर में जाइलम है दिस इज फ्लोएम ये दोनों ही फ्लोएम है और दिस इज जाइलम तो यानी कि जो Uh, जो जाइलम है वो बोथ साइड से क्या है सराउंडेड है सराउंडेड हम नहीं कहेंगे मतलब इनर और आउटर मतलब दोनों ही साइड में ऊपर और नीचे फ्लोएम प्रेजेंट होगा राइट राइट सो लेट सी नेक्स्ट वन नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल तो कॉन्सेंट्रिक की अगर हम बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वन वन अराउंड अदर इन समेम यानी कि इसमें क्या होगा कि जो है, वो प्रेजेंट रिंग के फॉर्म में एक साइकिल के फॉर्म में जिसमें से क्या होगा जो कि अराउंड होता है मतलब एक दूसरे के चारों ओर स्टेम में प्रेजेंट होता है अभी देखते हैं क्या होता है इसमें इसको अगेन डिवाइड किया गया है टू टाइप में एम क्राइबल या फिर इसको हम हाइड्रोसेंट्रिक भी बोलते हैं नेक्स्ट आता है एम वेसल जिसको हम लेप्टोसेंट्रिक बोलते हैं तो पहले देख लेते हैं एम्फीक्राइबल uh, टाइप emphik, में तो यहां पर आप देखोगे जाइलम लाइज इन सेंटर विद फ्लोयम सराउंडेड इट यानी कि जो एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल है उसमें क्या होगा कि जो जाइलम है आप देखोगे सेंटर में है और वो सराउंडेड है फ्लोएम से यू कैन सी हेयर कि ब्लैकिश वाला पोर्शन जाइलम है और पूरी तरीके से क्या है सराउंडेड है चारों तरफ से तो ये कंडीशन कहलाती है एम्फी क्राइबल और ये एग्जाम्पल बेसिकली होता है फर्न यानी कि जो फर्न होते हैं उसमें ये इस तरीके का वेस्कुलर बंडल जो है देखने को मिलता है जो कि है कॉन्सेंट्रिक एम्फी क्राइबल वेस्कुलर बंडल नेक्स्ट आता है एम्फी वेसल इसमें क्या होगा इसमें इसका अपोजिट होगा यहाँ पर जाइलम सेंटर में था लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा फ्लोएम होता है सेंटर में और जाइलम जो है उससे सराउंडेड रहता है यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लोएम लाइज इन दिस सेंटर यू कैन सी हेयर विथ फ्लोएम विद जाइलम सराउंडेड इट यानी कि जाइलम क्या है चारों तरफ से जो है सराउंडेड है आप देख सकते हैं दोनों में इजिली डिफ्रेंशिय डिफ्रेंशियट हम कर सकते हैं तो इसका एग्जाम्पल है यूका यूका एक प्लांट होता है वो इसका एग्जाम्पल है नेक्स्ट आता है ड्रेसिनिया तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल जो है कॉमनली देखने को मिलते हैं तो आई होप कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन है वेस्कुलर बंडल्स का और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है वो समझ आया हो और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो स्टील का कितने टाइप के स्टील होते हैं वो थोड़ा बहुत देख लेंगे डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं तो ये था ब्रीफ आइडिया अबाउट वेस्कुलर टिश्यूज सिस्टम इन प्लांट इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो